असलकम माई नेम इज नैनब टूडे माई प्रजेंटेशन टॉपिक इज़ यमेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे हम लोग जो है पानी पीते हैं वो जाएगा कहाँ से सबसे पहले हम जो पानी लेंगे वो हमारे पास जाएगा मुंह में मुंह से एसोफेगस में एसोफेगस से स्टमक स्टमक से लार्ज इंडस्टाइन स्मॉल इंडस्टाइन स्मॉल इंडस्टाइन से लार्ज इंडस्टाइन और मो जो ज़्यादातर पानी होगा ना वो लार्ज इंडस्टाइन में अब्जॉर्व हो जाएगा उसके बाद लार्ज इंडस्टाइन में पहुंचने के बाद जैसे पानी जो है ना लार्ज इंडस्टाइन में पहुंच जाएगा वहाँ पे ये कंबाइन करेगा ब्लड के साथ और ट्रांसपोर्ट होगा अब जैसे इसने ब्लड के साथ कंबाइन किया तो ये ब्लड में शामिल हो गया अब ये जो ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा किडनी तक और किडनी जो है वो इस ब्लड को फिल्टर करेगी और इससे यूरिन फॉर्म करेगी आगे हम देखेंगे कि यूरिन कैसे कैसे बनेगा उसके बाद ये किडनी जो है वो फिल्टर करेगी ब्लड को नेफ्रॉन के ज़रिए अब ज़ाहिर है किडनी कोई काम करेगी उसके पास कोई चीज़ होगी तो वो काम करेगी तो किडनी के पास काम करने के लिए उसका स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है उसे बोलते हैं नेफ्रॉन। एक किडनी में हमारे पास अबाउट वन मिलियन नेफ्रॉन होंगे अब देख रहे हैं कि यूरिन कैसे फार्म होगा जो रिमूवल होगी अनवांटेड वेस्ट की उसे उस जो रिमूवल होगी अनवांटेड वेस्ट की बॉडी से या ब्लड का जो क्लिनजिंग फंक्शन होगा उसे हम बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन हमारी किडनी जो है वो रिसीव करती है थर्टीन हंड्रेड मिली लीटर ब्लड और उसमें से फॉर्म करती है वन लीटर और वन पॉइंट फाइव लीटर यूरिन पर डे दे। अब देखते हैं नेफ्रॉन काम कैसे करेगा नेफ्रॉन के आगे से तीन पार्ट होंगे उसमें आएगा गॉलम्योरस गौल्मु, कैपेलरीज ट्यूबुलर रीऑब्जॉर्बेशन और ट्यूबुलर सिक्रेशन अलगम्योरस कैपेलरीज जो है वो फिल्ट्रेशन करेगी ब्लड की ट्यूबुलर रीऑब्जॉर्बन जो है वो री ऑब्जॉर्ब करेंगी न्यूट्रन को और ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है वो रिमूव करेंगी अनवांटेड सब्सटेंस को अब गॉलम्योरस कैपेलरीज कैसे काम करेंगी गॉलम्योरस कैपेलरीज जो होंगी वो फर्स्ट स्टेप होगा यूरिन मेकिंग में ये प्रोसेस करेगा किडनी को कि वो यूज़ करे और फिल्टर करे एक्सेस फ्लोइड को और वेस्ट प्रोडक्ट को और ब्लड जो है इनटू कलेक्टिंग ट्यूब में अब ये हमारे पास गलम्यूरस कैपलरीज आती हैं तो ये हमारे पास सबसे पहले ब्लड इसमें आया ब्लड इंटर हुआ आर्ट्रियोल में अब ब्लड ने फ्लो किया यहाँ पे इसकी फ़िल्ट्रेशन हुई और ये आगे से ब्लड जो है बायोमैन कैप्सूल से होता होता प्रॉक्सिमल ट्यूब में आ गया अब ब्लड फ्लो करेगा ए फेरेंट से और फिल्टर करेगा कैपिलरीज में और एग्जिस्ट करेगा ई फेरेंट में कैपलरीज जो है वो एंडोथीलियल सेल से बनी होगी सेंटर जो होगा उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी और बायोमेन जो है वो पोस्ट साइड से बना होगा अब हम देखते हैं हमारे पास जी एफ आर क्या होगा जी एफ आर का मतलब होगा गर्म्यूरस फिल्ट्रेशन रेट रेट जो होगा गर्म्यूरस फिल्ट्रेशन का वो 125 मिलीलीटर पर मिनट होगा जो ब्लड फिल्टर होगा या 180 लीटर पर डे होगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखते हैं प्रेशर जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब होगा जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है एग्जर्ड हो रहा है कैपलइ पे जो स्मॉल पोर्स होंगे ना एंडो एपीथीलीम फिल्ट्रेशन अंडर हो जाएगी अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे तो जी बी एच पी डिवाइडेड बाई सी एच पी हमारे पास ये ग्लूकोज और आयन वगैरह जो हैं वो तो फिल्टर हो जाएंगे यहाँ पे लेकिन हमारे पास प्रोटीन जो है वो फिल्टर नहीं होगा गर्ल म्यूर कैपलरीज में के हमारे पास एपिथीलियम के जो हैं वो स्मॉल पोर्स होंगे प्रोटीन का साइज लार्ज होगा इस वजह से वो फिल्टर नहीं हो सकेगा अब हम अगर नेट फिल्ट्रेशन देखें तो हम लोग देखेंगे जी और माइनस सी सी माइनस बी ओ सी पी जी पी जी बी एच का मतलब आ जाएगा हमारे पास गलमस का रेट वो सिक्सटी आ गया सी एच पी जितना उसने फ़िल्टर किया और बी एच बी सी ओ पी जितना बायोमेन कैप्सूल ने प्रेशर एग्जिस्ट किया ये हमारे पास आएगा वन ट्वेंटी फाइव मिली पर मिनट जो हमारे पास फिल्ट्रेशन होगी ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर के जितना हमारे पास प्रेशर एग्जिस्ट होगा उतनी ही हमारे पास फिल्ट्रेशन होगी अब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन देखें तो अप्रॉक्सीम कन्विलेटेड ट्यूब ट्रिब्यूल से एन ए जो हमारे पास सोडियम और ग्लूकोज होंगे वो हंड्रेड परसेंट रिअबज़ॉर्ब हो जाएंगे और अगर फिर यहाँ से हमारे पास रिअबॉर्ब नहीं हो रहे अगर हम लोग यूरिन टेस्ट करवाते हैं तो हमारे पास दोबारा से ग्लूकोज आ रहा है उसमें तो मतलब डायबिटीज़ दाइब, है अब ट्यूबुलर सिक्रीशन देखें तो एच सिक्रीट करेगा इनक्री एच सिक्रीट होगा तो हाइड्रोजन जैसे हमारे पास सिक्रीट होगा तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी प्रोटीन जो है वो रीऑब्ज़ॉर्ब होगा और यहाँ पे आके हमारे पास प्रोटीन रीऑब्ज़ॉर्ब होगा और यूरिन जो होगा वो एसिडिक होगा क्योंकि इसमें हमारे पास ज़्यादा कंसनट्रेशन होगी एच की नॉर्मल पीएच जो आएगी हमारे पास फोर टू एट आएगी एसिड इंडिकेटर होगा मिथाइल रेड एल्कलाइन इंडिकेटर होगा प्रोमथाइल ब्लू रीड से सिक्सटी सेकेंड करेंगे और पीएच uh, की रेंज जो है वो फिफ्टी टू एटी फाइव इन हाफ यूनिट आएगी थैंक्स